ऋषिकेश उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गए हैं, अयोध्या के मेयर हैं। ऋषिकेश उपाध्याय जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका। योगी आदित्यनाथ और खुद प्रधानमंत्री मोदी भी धार्मिक पर्यटन का जिक्र हमेशा करते हैं, फिर चाहे बात अयोध्या की हो, चाहे काशी की हो या फिर मथुरा की हो। आपको लगता है क्या अयोध्या उस तरीके से विकसित हो रहा है? राम मंदिर 24 में जरूर बनेगा और उसका फायदा 24 के चुनाव में भी होगा, लेकिन क्या उस तरीके से वहां की जनता को फायदा मिल पा रहा है पर्यटन के लिहाज से, रोजगार के लिहाज से? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। 2017 से उत्तर प्रदेश के गौरव आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की जब से सरकार बनी है, भगवान श्री राम के मंदिर का तो फैसला बाद में आया है, उससे पहले ही मोदी जी ने अयोध्या को 133 करोड़ रुपए उसके विकास के लिए दिया, जिसमें चाहे रामपैणी में अविरल जल प्रवाह हो, भजन संध्या स्थल हो, अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा हो, राम कथा संग्रहालय हो, अयोध्या में एलईडी लाइट हो, अयोध्या में हमारे जो ऐतिहासिक पौराणिक स्थल हैं उनके लाल रंग के जो पत्थर आप अंदर से देखेंगे, जो हनुमान गढ़ी से लेकर नागेश्वर नाथ तक जाते हैं, जो आंतरिक गलियां हैं उनके विकास की बात हो, और चाहे जो माँ सरयू की अविरलता निर्मलता को भंग करते थे, ऐसे जो गंदे नाले बारा जाते थे उनके लिए भी 35 करोड़ रुपये देकर उसको ट्रैप कराने का कार्य आदरणीय मोदी जी और योगी जी की सरकार के नेतृत्व में अयोध्या नगर निगम में हुआ है। ठीक है, अब ऋषिकेश उपाध्याय जी, आपने बताया ये काम हुआ है, राम मंदिर बन रहा है, संग्रहालय का आपने जिक्र किया, अब मुझे बताइए क्या व्यापारी वर्ग खुश है? बड़े बड़े कार्यक्रमों का आयोजन अयोध्या में होता है, पूरी की पूरी सरकार वहां पहुंच जाती है, जिम्मेदारी होती है नगर निगम की और प्रशासन की, सबसे ज्यादा व्यापारी वर्ग उससे प्रभावित होता है, क्योंकि उनको लगता है कि उनके रोजगार का तो ये वक्त होता है, उसमें दुकानें बंद कराना, व्यवस्था को मैनेज करना। मैं ये नहीं कह रही कि व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या व्यापारी वर्ग इससे प्रभावित नहीं होता है? देखिए, ऋषिकेश जी, आवाज मिल रही है आपकी? जी, आप आवाज, हाँ आवाज मिली है। जी जी बोलिए। सवाल मेरा यह है, क्या व्यापारी वर्ग आपको नहीं लगता कि प्रभावित होता है, या फिर व्यापारी वर्ग परेशान है जिस तरीके से अयोध्या में कार्यक्रम होते हैं? पर्यटन के लिहाज से तो अच्छा काम कर रहे हैं आप, लेकिन आप मुझे बताइए क्या व्यापारी खुश है अयोध्या का? देखिए, पूरे दुनिया से, पूरे देश भर से लोग अयोध्या में आ रहे हैं, और अयोध्या में जो लोग आ रहे हैं उनसे व्यापार किसका बढ़ रहा है? हमारे यहाँ के रहने वाले व्यापारियों का। व्यापारी खुश हैं, भगवान राम का मंदिर जब से बन रहा है तब से 1 लाख लोग पर्डे आ रहे हैं, और आने वाले चाहे होटल का व्यवसाय हो, चाहे जो प्रसाद का व्यवसाय हो, जो भी जुड़े होटल से रेस्टोरेंट हैं, सबके आमदनी में 10 गुना की वृद्धि हुई है। व्यापार और पर्यटन को देखते हुए अयोध्या के व्यापारी ही नहीं, पूरा आम जनमानस भी खुश है। ठीक है, चौड़ीकरण आप सड़कों का वहां पर कर रहे हैं, तो क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था आपने सोची है? क्योंकि वहां जो रहने वाले लोग हैं, जो सालों साल से रहते आ रहे हैं, जिनका घर बार है, वो कितना प्रभावित हो रहा है? सबके पुनर्वास की व्यवस्था है, जिनकी पूरी दुकानें जा रही हैं उनको उनकी सहमति, उनके खुशी के आधार पर कौशलेश कुंज रेलवे स्टेशन के पास और बिड़ला धर्मशाला के पास, टेढ़ी बाजार के पास सबको दुकानें दी जाएंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इसकी निगरानी की, और कहें किसी को उजाड़ा नहीं जाएगा, सबको बसाने के बाद सबको बसाया जाएगा। ठीक है, जिनकी दुकानें जाएंगी उनको नई दुकानें दी जाएंगी, उनको पर्याप्त मुआवजा दिया जा रहा है, मकान मालिक को भी, किराएदार को भी, सबकी सहमति पर, सहमति के आधार पर राजी खुशी से हम उसका विस्तार कर रहे हैं और उसका उनसे ले रहे हैं। चलिए ठीक है, उम्मीद यही कर रहे हैं ऋषिकेश उपाध्याय जी, जो आश्वासन आप यहाँ पर दे रहे हैं वो वहाँ की जनता भी समझती होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और बहुत बहुत शुभकामनाएं भी आपको। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।